चली गाड़ी यहां से, कहां देख रही हो? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। कहां हुआ है वो भी? दादा, दादा बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। नहीं अभी कहा हुआ हमका बताना। दादा सब खत्म हो गया मेरा। नहीं अभी शांत शांत, हुआ क्या है? ऐसा क्या रो रही है हमका बता। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कौन दिया था उनको धोखा बताना हमको? अर्जुन पूर्वी दादा। नहीं नहीं होगी, तुम्हें को गलत फहमी हुई है। वो लोग कुछ नहीं किए, हम देखे हैं और के साथ खुश है पूर्वी। नहीं दादा, अर्जुन से मैंने सब कुछ दिया, इतना प्यार किया, बस देखो ना क्या कर दिया उसने। पूर्वी ने सब जीत लिया, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। अभी शांत हो जा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। कैसी बेटा? अच्छी। अच्छा हुआ तू आ गई। और एक बात बता, तुझे अच्छा तो लगता है ना उस घर में? बहुत, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक अलग पराई फैमिली में रहने जा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली से निकल के दूसरे परिवार में गई हूँ। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मॉम के साथ एडजस्ट करने में, लेकिन जिग्नेश है ना, उसने मेरी बहुत हेल्प की। ये जिग्नेश सनी का भाई है ना? हाँ वही है। मैं तो कभी कभी हिम्मत ही हार जाती थी, मैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर जिग्नेश मुझे कहता था, नो तेजू यू कैन डू इट, तुम कर लोगी। आपको पता है छुट्टी लेता था वो, फरसान शॉप आता था मेरी हेल्प करने के लिए। काफी बार बचाया उसने मुझे अपनी मॉम से। चलिए तो बहुत अच्छा है, और सुनकर खुशी हुई कि तू ऐसे घर में जाने वाली है जहां जिग्नेश जैसे अच्छे लोग रहते हैं। आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो पानी पी लो। अच्छा ये पुन्नी ने क्यों बोला था तुम्हें? क्या हुआ मिस्टी, तुम इतनी टेंस्ड क्यों लग रही हो? अनिल बाबा का फोन आया था, कल ओवी और अर्जुन की एनिवर्सरी है ना, तो वो उस खुशी में पार्टी दे रहे। तो ये तो अच्छी बात है। नहीं अनिल, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं कल पार्टी में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अनिल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अर्जुन को कन्विंस किया था कि वो ओवी से शादी कर ले। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब अपनी शादी वाले दिन मैंने अर्जुन को बुलाकर अर्जुन मैं चाहती हूँ कि तुम ओवी से शादी कर लो और अब परी की सच्चाई सबको बता के मैं ही उन दोनों की शादी तोड़ रही। उन्हें पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि मैं वहां पे कमजोर ना पड़ जाऊं, लेकिन कल ओवी और अर्जुन की एनिवर्सरी है, मैं सबको सच्चाई नहीं बता सकती। अगर एनिवर्सरी से पहले ही ओवी को ये सब सच्चाई पता चल गई तो वो टूट जाएगी। मैं ओवी को इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकती। मिस्टी, मिस्टी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ये तो इनफैक्ट अच्छा हुआ कि हमें पहले ही पता लग गया कि कल अर्जुन और ओवी की एनिवर्सरी है। करे सच्चाई सबके सामने आ जाती तो फिर सब पर क्या बीतती। तुम एक काम करो, फिलहाल किसी को कुछ मत बताओ, ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम लोग बाबा के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बता देंगे, और फिर आगे जो होगा
उन्हें हैंडल करने देते हैं। अब सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी, मगर उन्हें हमें पुन्नी ताई पे ध्यान रखना होगा। अरे हाँ, पुन्नी ने तुम्हें क्यों बुलाया था? पता नहीं, मुझे होटल में बुलाया था और फिर खुद ही नहीं आई। मैंने उनको कितनी बार फोन भी किया लेकिन उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया। और मुझे लगता है पुन्नी ताई के दिमाग में कुछ चल रहा है। एक बार ये ओवी और अर्जुन की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन खत्म हो जाए ना, उसके बाद हम पापा को सब कुछ बता देंगे। सोम, ये सोम कैसे अर्जुन भाई, अब वो ठीक है ना? कोमा से बाहर आ गई? नहीं भाई, वो अभी भी कोमा में। लेकिन फिर तेरे जमानत के पेपर्स पे जो दस्तखत थे वो उन्हीं के हैं। लेकिन कैसे? माया मी के बारे में डॉक्टर से पूछे, वो हमको बताए कि कोमा में जाए से पहले वो वकील को बुलवाकर दस्तखत कर दी थी और ऊपर ही लिखवाया था कि सोम बेगुनाह है। ऐसी है मेरी अर्चुदाई, बहुत बड़ा दिल है उसका, लेकिन इतना बड़ा दिल होने के बावजूद वो मुझे माफ नहीं कर पाई। मतलब सोच, मैंने उसका कितना दिल दुखाया होगा। नहीं, मैं उसके माफी के लायक ही नहीं हूं, नहीं हूं। जाने दे वो सब कुछ। मैं अस्पताल में ओबी मिली थी। ओबी? लेकिन इतनी रात गए? हाँ माई, ये तो हमारी भी समझ में नहीं आया कि वो इतनी रात गए वहां क्या कर रही थी। लेकिन मैं, वो बहुत ही रो रही थी, वो बार बार अर्जुन पूर्वी का नाम लेके रो रही थी, कह रही थी कि वो मिलते हैं। हम जब उसको पूछने की कोशिश किए तो हमें समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रही। उसकी हालत बहुत ही खराब थी भाई, हमें अब तक समझ में नहीं आ रहा कि हसन कहा है कि वो इतना रो रही थी। पता नहीं हम कहा, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हुआ है उसके साथ भाई। वो बार बार पूर्वी का नाम ले रही थी, कह रही थी कि धोखा दी है, लेकिन पूर्वी कहा ऐसा करेगी, वो तो उसकी बहन है ना। जरूर कोनो गलत फहमी हुई है माई को। भाई तोरे को पता है, आज हम उसे पहली बार मिले और वो हमें कंधे पर सर रख कर रोई माई। वो हमको एक तो बड़ा भी होने का एहसास दिलाई, हमको ऐसा पूर्वी दिलाती है। लेकिन भाई ऐसा कहा है जो को इतना दुख दे रहा है। रुक, हम देखते हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते। आइए ना सोहम, आइए अंदर। अरे सलाम दे भाई। अरे सोहम, तुम कह रहे थे ना तुम्हें पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है, तो मैंने अपने दोस्त से बात करके रखी है। हाँ बताइए। एक्चुअली उसे बहुत बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिला है होटल इम्पीरियल का, वहाँ एक्स्ट्रा लड़कों की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा नाम कह दिया। काम सिर्फ एक ही दिन का है लेकिन पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे। कल एक काम करना, गोडाउन से सीधा होटल चले जाना, और हाँ देर मत करना, मानव देशमुख की पार्टी है, उनकी बेटी ओवी की शादी की सालगिरह है। नहीं दे भाई, कल हम नहीं आ पाएंगे, हमारी जगह कोनो और को भेज दीजिएगा। सोहम, नहीं नहीं दया भाई, ये आ जाएगा, मैं उसे भेज दूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तूने काय हाँ बोला, हम नहीं जाएंगे मानव देशमुख के वहाँ। तू क्यों नहीं जाना चाहता? मानव जीजू की वजह से क्यों परेशान हो रहा है? देख, तू मानव जीजू के लिए नहीं, अपनी बहन ओवी के लिए चला जा। हम नहीं जाएंगे मामा। सोहम, तूने उसके दुख में उसका साथ दिया ना, कल तो उसके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, तो उसके साथ उसकी खुशियों में भी शामिल हो जा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। देख, शायद बापा की भी यही इच्छा है, इसीलिए तो ये काम खुद ब खुद चलकर तेरे पास आया है ना। तू जाएगा ना, लेकिन सुन, तू किसी के सामने मत आना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।